किसी ने पूछा सक्सेसफुल लाइफ और सक्सेस में अंतर क्या है। तो सक्सेस हर इंसान के लिए एक अलग डेफिनेशन है और सक्सेस जो है वो नेवर एंडिंग है। जो लोग सक्सेस हैं, क्या उन्होंने काम करना बंद कर दिया? वो नेवर एंडिंग है। जो सक्सेस है वो और चाहते हैं कि नाम हो, क्योंकि उनकी फाइट अब पैसे की नहीं रह गई, अब उनकी फाइट रह गई कि नाम जो है वो पोजीशन वन पे ही रहे। तो सक्सेस जो है वो तो नेवर एंडिंग है, क्योंकि एक पॉइंट पे आने के बाद पैसा भी आ जाता है, सक्सेस भी मिल जाता है, लेकिन वो फियर नहीं जाता कि जो सेकंड रनर अप है वो कहीं आपको बीट ना कर दे। तो उनकी लड़ाई तो फिर उस चीज की रह जाती है। और सक्सेसफुल लाइफ तो पल पल पे आप महसूस कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी अलग है। ये तो एक तरीके से वो चीज है कि आपके जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, जो जो छोटे छोटे फेजेस ऑफ लाइफ है, जैसे जैसे वो कंप्लीट हो रहा है, आप सक्सेसफुल लाइफ मान सकते हैं उसे। सक्सेसफुल क्या है? कई चीजों से इंटरलिंक है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, आपका करियर, स्पिरिचुअलिटी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब कुछ है तब भी आप सक्सेसफुल लाइफ है आपकी, और इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो वो फिर इनकम्प्लीट है। आप हेल्थ अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ कर लिया बट थोड़ा बहुत वेल्थ में प्रॉब्लम है कि जिस समय हमने खूब कमाया, खूब सब कुछ किया, लेकिन कभी भी फ्यूचर के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचा, तो थोड़ा सा वेल्थ फाइनेंशियली भी होना जरूरी है। रिलेशनशिप पैसा है, हेल्थ अच्छा है, बट लोग नहीं है बात करने के लिए। किससे बात करोगे आप? अकेले रह जाओगे? तो लोग तो चाहिए ना, चाहे कम ही चाहिए लेकिन फिर भी चाहिए। और ये तो आप अच्छी तरह उन लोगों को महसूस कर सकते हो जो अकेले रहते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले ही आपको बताएगा रिलेशन क्या होता है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, उनकी लाइफ में जो मिसिंग पार्ट होता है अकेले रहने वालों की, वो एक यही पार्ट होता है। बाकी सब होता है उन पे, अकेले जो भी रहता है उन पे सब होता है, बट ये मिसिंग पार्ट होता है। तो ऐसे करियर, कुछ काम नहीं है करने को, कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाहते हो, वही फियर। तो अगर ये सब चीजें भी मिसिंग है तो भी आप फिर इनकम्प्लीट हो। तो बहुत से लोग तो स्पिरिचुअलिटी को कुछ और भी समझ लेते हैं, वो लोगों से कट भी जाते हैं, बात करना भी नहीं चाहते, तो ये भी एक कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है। तो बात अगर हम सक्सेसफुल लाइफ की करते हैं, तो हर पार्ट पे, हर स्टेजेस पे आप उसे महसूस कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हम ऐसे देखते हैं, अगर बूढ़े माँ बाप है और उनका कोई जवान लड़का है और उसकी जॉब अच्छी लग जाती है, तो क्या वो उनके लिए सक्सेसफुल लाइफ नहीं है? पूरी मेहनत, पूरी जिंदगी उस बच्चे को पढ़ाने में लगा दी, अच्छा इंसान बनाने में लगा दी, और आज उसको एक अच्छी जॉब मिल गई या अच्छा उसका कोई काम सेट हो गया, तो भी उनके लिए सक्सेसफुल लाइफ है। समझने के तरीके हैं, कैसे आप उसको समझते हैं। लोग, बहुत से लोग जिनके बच्चों की शादी नहीं होती है, उम्र बढ़ती जाती है, जैसे ही उनका कोई रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी की बात पक्की हो जाती है, तो क्या वो सक्सेसफुल लाइफ नहीं है उनके लिए? वो भी है। हैप्पीली मैरिड कपल जो भी हैं, क्या उनके लिए वो सक्सेसफुल लाइफ नहीं है? कि पैसे की दौड़ रह गई, भागते रहो, आज मैंने ये ले लिया, कल मैंने वो ले लिया, मेरे पे ये है वो है, बस इसी में लगे रहो। ऐसा नहीं है, सब जरूरी है, सब चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, रिलेटिव्स भी चाहिए,
हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। सामने सब कुछ रखा है, खा नहीं पा रहे हैं, ये भी एक हटके चीज है। कई लोग हैं ऐसे, मुस्कुराते हैं देखकर लेकिन खा नहीं पाते। कई लोग ऐसे हैं, सब कुछ है लेकिन लोग ही नहीं है अपने। तो सक्सेसफुल जो लाइफ है वो हर मोमेंट आप एंजॉय करिए, क्योंकि सक्सेस तो नेवर एंडिंग है। अगर आपको छोटी छोटी चीज भी आपकी कंप्लीट हो रही है, आपको ये मान के चलना है कि अगर मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स, छोटे छोटे टारगेट्स मैं टाइमली या टाइम से पहले भी अचीव कर रहा हूँ, तो वो मेरी सक्सेसफुल लाइफ है। सक्सेस होने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है जैसे हम लोग हैं, कुछ हटके नहीं है। एक वर्ड है सक्सेस, वो भी एक खेल है, खेलते रहो। वो ऐसा खेल है कि थक तो जाते हो लेकिन खेलना नहीं बंद करते हैं लोग। सक्सेस एक ऐसी चीज है कि लोग थक जाते हैं लेकिन खेलना नहीं बंद करते। तो सक्सेसफुल लाइफ ज्यादा बेहतर है। हर मोमेंट फील तो आएगा सक्सेस है, तो जो लंबी रेस के घोड़े हैं उनसे पूछो ना, सब कुछ होने के बाद भी नहीं रुक पा रहे, ब्रेक ही नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि कोई दूसरा आगे निकल गया तो कैसे चलेगा। तो हर दिमाग, हर आदमी अपने हिसाब से चीजों को सोचता है, लेकिन उसकी सुई एक ही जगह आके अटक जाती है कि बहुत कुछ किया लाइफ में, सब कुछ करता हूं, सक्सेस नहीं मिलता है। वो यही भूल जाता है कि वो एक्चुअली जो उसको चाहिए था वो तो सब कुछ मिल ही चुका है। अब वो किस नंबर्स की बात कर रहा है, कहाँ पहुंचना चाहता है, किस चीज को उसको चाहिए, तो वो लड़ाई सिर्फ नाम की रह जाती है। नाम तो लोग वैसे भी कमा लेंगे, कुछ काम तो करो। तो यही फेजेस ऑफ सक्सेसफुल लाइफ है। छोटी छोटी चीजें आपकी जैसे कैसे कंप्लीट होती जाएं, आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल मानिए और ऐसे चलते रहिए। ये सब भूल जाइए कि मेरे पे उनसे कम है या मैं उनसे बहुत पीछे हूँ या शायद मैं वो चीज़ नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। कुछ नहीं होता उससे। कुछ लोग जो आपको अपने से आगे बताते हैं या आगे चल भी रहे हैं, तो उन्हें चलने दीजिए, उन्हें चलने दीजिए, उन्हें रोकिए मत, क्योंकि आप उनको रोकने में जो समय खराब कर रहे हैं ना, उससे अच्छा अपना समय अपने में लगाइए, कुछ और अच्छा निकल के आएगा। और ये महसूस होगा आपको, मेरे कहने की बात नहीं है, मैं यहाँ समझाने या किसी को बताने नहीं बैठा हूँ, आप खुद ही इंजॉय करेंगे। तो ये सेल्फ डिसीजन होता है और ये कॉल खुद से लेनी होती है, किसी के कहने से नहीं। लोग आएंगे और चले जाएंगे, चीज़ें वहीं रह जाएंगी। तो बेहतर है समय से पहले हम लोग चीज़ों को समझें, और सक्सेसफुल लाइफ यही है। थैंक यू।